हम तो अभिभूत रोमांचित और एकदम गदगद हैं कि बिंदेश्वरी पाठक जी ने जो सुलभ परिवार का विराट स्वरूप हमको यहाँ दिखाया वह बहुत स्पंदित करता है, प्रेरित करता है और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, आदरणीय बिंदेश्वरी पाठक जी, आदरणीय अमोला जी, कुशवाहा जी और हमारे सभी मंच पर विराजमान मित्रों और यहाँ बैठे माताओं बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन वास्तव में यहाँ सेवा पर्व का रूप ले बैठा, ये एक सेवा का त्यौहार बन गया। ऐसा त्यौहार कि आपने अब्राहम लिंकन की कथा सुनाई कॉबलर वाली, वो अब्राहम लिंकन मुझे नरेंद्र मोदी में दिखते हैं, जिनको किसी ने कहा कि अरे क्या है वो तो चाय वाला है, तो नरेंद्र भाई ने पूरी दुनिया में चाय का पर्व घोषित कर दिया और अमेरिका से लेके भारत तक जगह जगह हर कोने में लाखों लोगों ने चाय बना बना कर बेची कि हम भी चाय वाले हैं। और यह हिंदुस्तान की माटी का प्रताप है कि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। बचपन से संघर्ष में रहे और हिमालय की उपत्यकाओं में स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक पथ को का अनुसरण करते हुए निकल पड़े, कैलाश मानसरोवर गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने भारत की माटी की जो सुगंध है उसको महसूस तो किया ही, लेकिन उसकी पीड़ा को भी महसूस किया। बिंदेश्वरी जी, ये जो सेवा का पथ है ये वेदना का पथ है, ये पीड़ा को महसूस करने का पथ है, ये संवेदना का पथ है, ये समन्वय और सामंजस्य का पथ है। अगर वेदना को न देखा, सुना और समझा और महसूस किया होता तो वाल्मीकि राम कथा लिख नहीं सकते थे। राम कथा का स्रोत उस वाल्मीकि के रूपांतरण में है जो क्रौंच के वध से आहत होकर कवि बन बैठा। योगी होगा पहला कवि, विरह से निकला होगा गान, वंडा वाल्मीकि कवि नहीं बन सकते थे। ये वेदना ने उनको कवि बनाया और वेदना ने उनको उनसे राम कथा लिखवा दी। ये वेदना का प्रताप है, ये पीड़ा को महसूस करने का प्रताप है। अगर आप वेदना महसूस नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी मनुष्यता से कम हो जाते हैं। ये वेदना है जिसने राजा रंतदेव से कहलवा दिया कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो पीड़ा सह रहे लोगों की पीड़ा का हरण चाहिए। ऐ विष्णु, मैं सदैव स्वर्ग नहीं जाऊंगा। जा रहे थे सदैव स्वर्ग, इतने पुण्यशाली थे, तो जाओ जो स्पर्श से पीड़ा से तप रहे नागरिकों को उनके हवा का स्पर्श हुआ तो उन्होंने कहा हे राजन मत जाओ। तो उन्होंने कहा क्या बात है, कहा तुमको छूकर जो हवा आती है हमको राहत मिलती है। राजा ने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं जाना, न त्वहम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणिनाम मार्ति नाशनम, न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो दुख से तप रहे नागरिकों के ताप का हरण चाहिए। बिंदेश्वरी जी, आपने नरेंद्र भाई के जन्मदिन पर वो भारत की पुरानी परंपरा को यहां जीवंत कर दिया, मैं धन्य हो गया। मैंने आपके कार्यक्षेत्र को सेवा का तीर्थ कहा, सत्य ही कहा। जहां जहां सद्वचन हो, अच्छे कार्य हो,
शुभ वच कार्य किए जाएं, मंगल ध्वनि हो, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। और जो आपने आज हमें ये स्वच्छता की दुर्गाओं के चरण स्पर्श करने का अवसर दिया, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमारी माताएं बहनें आईं, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अरे है हिम्मत ये शहर के तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में, जो अपने आप को बड़ा बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, मंगल सूत्र गिरवी रखकर और शौचालय बनवाना और पिता से कहना दहेज में मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे तो शौचालय चाहिए, हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, सीने में फौलाद चाहिए और वह संकल्प की शक्ति चाहिए। नरेंद्र भाई से मैं कहूंगा कि आपको पता नहीं आपने किस किस में क्या क्या शक्ति भर दी है कि वह शादी तब तक नहीं कराती जब तक स्वच्छता का शौचालय न बन जाए। बिंदेश्वरी पाठक जी, आपने जो जिस प्रकार का ये विद्या का पर्व सेवा के पर्व से जोड़ दिया, और समाज शास्त्र आपने स्वच्छता का समाज शास्त्र कितने विद्वानों को आपने प्रेरित कर दिया, मैं देख रहा था, अकरम भाई थे, पायस जी थे, हमारे विनय रजत थे, कितने विद्वान आए यहां पे, वाघेला साहब, हाँ, और उनसे आपने क्या क्या लिखवा लिया। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, मन चाहिए। रमानाथ अवस्थी ने कहा था कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, जो मौसम की इंतजार करते हैं वे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, जो मन बना लेते हैं तो मौसम को उनके अनुकूल होना पड़ता है। तो पाठक जी, आपने तो मौसम को भारत के अनुकूल बना दिया, आप मौसम को पकड़ के ले आए, तो इसलिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं बहुत कुछ कहने के मन में हूं लेकिन नहीं कहूंगा, बहुत समय हो गया, और ये रोमांच, यह एक स्पंदन, यह प्रेरक दिवस नरेंद्र भाई के जन्म दिवस का वास्तव में सेवा का पर्व जैसा वो चाहते थे वैसा बना दिया। मैं आपकी इन तमाम माताओं को, जो हरियाणा की माता आई, क्या क्या ताकत है, क्या ताकत है, गजब है, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए कि ए माँ, तुम हमें वह आशीर्वाद दो कि हम भी तुम्हारे जैसा मन बना सकें, हिम्मत रख सकें, साहस रख सकें और शक्ति रख सकें। ये तमाम शक्ति रूपा थी, ये स्वच्छता की दुर्गाएं थी जिनको आपने यहाँ पर आज के दिन यहाँ सम्मानित किया, उनको सम्मान देकर हम सम्मानित हुए, उनको सम्मान देकर भारत सम्मानित हुआ। ये पर्व आगे बढ़े और स्वच्छता का दीप जले। हम लोग वाल्मीकि की बात करते हैं तो वे स्वच्छता के ईश्वर हैं, स्वच्छता के देव हैं, और जो समाज में आपने स्वच्छता के माध्यम से ये जो जाति भेद, ये दलित और गैर दलित का भेद, यह जो छोटा और बड़ा होने का, जो एक बड़ा होने का जो अहंकार रखते हैं, उनके अहंकार पर आपने चोट की है, आघात किया, उनको कौन से शास्त्र ने कहा कि वो कहे कि मेरी जाति ऊंची है। अरे जिसकी जाति ऊंची होती है वो स्वच्छता के काम में, समाज के काम में, सेवा के काम में आता है, और जो केवल बड़ी जाति का अहंकार रखता है वह इतिहास के कूड़ेदान में सिमट जाता है। मित्रों, अगर ये समाज, भारत का समाज बचाना है और अगर ये हिंदू समाज बचाना है तो जो बड़ी जाति का अहंकार रखने वाले लोग हैं, जो दलितों के साथ अत्याचार अनाचार भेद करने वाले लोग हैं, जो अपनी जाति को बड़ा कहने का घमंड रखने वाले लोग हैं, जो तीर्थों को, मंदिरों को दलित और गैर दलित में बांटकर दर्शनों से वंचित करने वाले लोग हैं, उनको चेतावनी देनी होगी कि हिंदुस्तान बचाना है तो तुम्हारा अहंकार इन दलितों के चरणों तले कुचलना होगा, क्योंकि हमारे भविष्य के देवता ये लोग हैं, ये हमारे भविष्य के देवता हैं।
मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ आ पाया, मेरा सौभाग्य कि पूज्य अवधेशानंद गिरिजी जो भारत में नव चैतन्य के उद्गाता है, जो भारत में नव समरसता के उद्गाता है, वह रामानुजाचार्य जिन्होंने तमाम लोगों की आपत्तियों को रद्द करते हुए छत पर चढ़कर सबको कहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, जाओ तुम सबका कल्याण हो, ऐसे इन्होंने एक दलित को भी महामंडलेश्वर बनाने का जो अद्भुत कार्य किया है, मैं आपका बारंबार सहस्र बार कोटि बार अभिनंदन करता हूं। आप उस विवेकानंद की नवीन वाणी के नवीन व्याख्याता और उद्गाता हैं जिनके वचनों से स्वयं सिंधु भी स्पंदित हो उठी थी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। आप सब धन्य हैं और मैं समझता हूं ये जो समरसता की और सेवा की गंगा है और बहे, और नरेंद्र भाई जिस प्रकार से भारत भाग्य विधाता बनकर उभरे हैं, एक नवीन भारत का सृजन, एक नवीन भारत का उदय, और विश्व के क्षितिज पर एक शक्तिशाली सेवाभावी करुणा और विद्यावान भारत का उदय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हो रहा है, वे सफल हो ऐसी बारंबार हम प्रभु से कामना करते हुए उनकी दीर्घायु, उनके स्वास्थ्य और उनके और अधिक शक्ति संपन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।